स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ सबा थाजी और आज की खास रेसिपी जो बनाने जा रही हूँ वो है न्यूट्रेला स्पगेटी विद सोया मीटबॉल इन मारिनारा सॉस। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पास यहाँ पर मौजूद है प्री कुक्ड सोया ग्रैन्यूल्स। इसमें हम ऐड करेंगे चॉप्ड अनियंस, चॉप्ड ग्रीन चिलीज, चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड जिंजर, ऑरिगैनो फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स, बेजल लीव्स, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है, इसीलिए हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल इसमें लेंगे। आप चाहे तो आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे मसाले अच्छे से घुल मिल गए हैं, लेकिन इसमें अभी हमें ग्रेटेड चीज डालना है। जब ये सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए, इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर, जो बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम मीट बॉल्स की बात कर रहे हैं तो इसे बाइंडिंग की जरूरत होगी, जिसके लिए हम कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो चुकी है, कॉर्नफ्लावर भी हमने ऐड कर दिया है, तो अभी हम जो सोया मीट बॉल्स की बात हो रही थी वो बनाएंगे। चीज़ और कॉर्नफ्लावर जो ऐड हुआ है इस मिक्सचर में, यही इसको अच्छे से बाइंड करेगा। तो हमारे सोया मीटबॉल्स तो तैयार हो चुके हैं, इन्हें बस हमें फ्राई करना है। जस्ट टू बी केयरफुल और ये सेपरेट ना हो जाए, मैं कॉर्नफ्लावर पानी में मिक्स करके और सारे मिक्स्ड हर्ब्स जो मैंने यूज़ किए थे इटालियन सीजनिंग वाले, वो इस आटे के साथ मैंने मिक्स किया है और अब इन मीट बॉल्स को मैं फ्राई करूंगी। हमारे मीट बॉल्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो इसे हम एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। अब हमें बनाना है मारिनारा सॉस, जिसके लिए मैं लूंगी न्यूट्रेला का रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। आप चाहे तो ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे ग्रेटेड अनियंस, थोड़े चॉप्ड अनियंस भी मैंने लिए हैं और कुछ ग्रेट भी करके लिया है, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी सॉस जैसी होनी है, लेकिन क्योंकि मैं इसे थिक भी बनाना चाहती हूँ तो मैंने थोड़े चॉप्ड अनियंस भी इसमें लिए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे ग्रेटेड गार्लिक, ग्रेटेड जिंजर, ग्रेटेड टमेटोज, और सारे स्पाइसेस जैसे नमक स्वाद अनुसार, बेजिल, ऑरिगैनो, रेड चिली फ्लेक्स और क्रश्ड पेपर। इन सारे मसालों को आपको अच्छे से फ्राई करना है उस वक्त तक जब तक टमाटर और प्याज अच्छी तरह गल ना जाए। ग्रेटेड चीज भी इसमें डलेगा। हमारा मारिनारा सॉस भी तैयार हो गया है। अब थर्ड स्टेप इस रेसिपी की जो है स्पगेटी, उसे हमें हल्का सा स्टर फ्राई करना है, तो चलिए करते हैं। स्पगेटी को स्टर फ्राई करने के लिए हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए, इसमें आप ऐड करेंगे आपके ग्रेटेड
गार्लिक और मिक्स्ड हर्ब्स जिसमें आपके चिली फ्लेक्स हो गए, ऑरिगैनो हो गया, बेजिल हो गया, थाइम हो गया एंड पेपर। जैसे ही लहसुन की महक आने लगे आप इसमें ऐड करेंगे स्पगेटी। इस स्पगेटी को हमने पहले ही हाफ बॉईल किया था तो इसे बस अब हल्का सा ऑयल में और इन हल्के से इटालियन सीजनिंग में स्टर फ्राई कर रहे हैं। इसमें आप थोड़ा सा और पेपर भी डाल सकते हैं। स्पगेटी को देखकर तो यही लग रहा है कि ये भी तैयार है। अब वक्त आ चला है कि हम इसकी प्लेटिंग करें। तो तैयार है हमारा न्यूट्रेला स्पगेटी विद सोया मीटबॉल इन मारिनारा सॉस। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी अपने घर में। न्यूट्रेला फूड तक को यूं ही देखते रहिएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए।